जैसे कि अगर आपको तुरंत फीवर आ गया है, ऐसे ठंडी वाले मौसम में, रेनी सीजन में हल्का हल्का बुखार लग रहा है आपको, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बदन दर्द हो रहा है बड़ों में चाहे बच्चों में, तो इंजरी के केसेस में अच्छी काम करेगी। साथ ही साथ फैमिली में जिसके बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पर्सन से उनमें बढ़ाती है, हमारे खून का संचार बढ़ाती है हमारे शरीर में, तो इसलिए हमें मेडिसिन रखना चाहिए। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर अंजलि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, एंड आई होप गाइस आर डूइंग गुड टुडे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं होम्योपैथी का पावरफुल फर्स्ट एड किट, यानी कि होम्योपैथी के मैं आपको ऐसे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो आपको घर पे जरूर रखना चाहिए, एज अ फर्स्ट एड की बॉक्स की तरह आप उसके अंदर रख सकते हैं 5 दवाओं को। बहुत ही ज्यादा कारगर काम करती है, स्पेशली इन इमरजेंसी कंडीशन में, जो स्पेशली बच्चों पे, बुजुर्ग पे, यंग एज पे भी इसका बहुत अच्छा काम है। फर्स्ट एड की तरह आपको इसको जरूर अपने घर पे रखना चाहिए। वो कौन कौन सी मेडिसिन है हम इस वीडियो में कम्प्लीटली जानेंगे, साथ ही साथ किस किस काम में वो आ सकती है, मेडिसिन कैसे लेना है वो सब इस वीडियो में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन दबा दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव रील्स आपके लिए लाती रहती हूँ, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पीछे डाल दूंगी। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन कॉल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए आप जो नीचे दिए गए नंबर है वहां पर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप करते हैं तो आपका नाम, आप क्या समस्या है, आपकी उम्र क्या है, कहां से बात कर रहे हैं वो जरूर लिख के सेंड कर दीजिए, वहां से हम आपको फ्री शेड्यूल सेंड करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट बुक की हो जाएगी। इनफैक्ट ये सारी मेडिसिन होम्योपैथी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लिए, वहां पर मैं आपको सारी मेडिसिन की लिंक डाल दूंगी। सेफ अफोर्डेबल वेबसाइट है, वहां से आप खरीद सकते हैं एंड डायरेक्ट भी हमसे ऑर्डर कर सकते हैं बाय गिवन नंबर ऑन दिस बिलो। फ्रेंड्स, होम्योपैथी की जो मेडिसिन होती है बहुत सेफ मेडिसिन होती है, जेंटल ट्रीटमेंट करती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत परमानेंट इलाज करती है। साथ ही साथ ये होम्योपैथी की 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है यूपिटोरियम 30। यूपिटोरियम 30 आपको एज अ फर्स्ट एड की तरह आपके घर पे जरूर रखना चाहिए, यानी कि एज अ फैमिली के लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि बच्चों से लेके फैमिली में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वहां तक हर एक एज में इसका बहुत अच्छा काम है। जैसे कि अगर आपको तुरंत फीवर आ गया है, ऐसे ठंडी वाले मौसम में, रेनी सीजन में एकदम से हल्का हल्का बुखार लग रहा है आपको, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, बदन दर्द हो रहा है बड़ों में चाहे बच्चों में हो, उसके साथ फीवर के साथ साथ चाहे वो वायरल फीवर ही क्यों ना हो, फ्लू वाला फीवर हो, सेप्टिक फीवर हो, उन सभी के लिए यूपिटोरियम पंप बहुत अच्छी काम करती है। 30 पावर में, यानी कि 30 पोटेंसी में आप खरीदी है, SBL की, शॉबे की, रेकवे की इमेज मैंने आपको स्क्रीन पे लगा दी है। इसके साथ साथ अगर आपको सर दर्द भी रह रहा है, सर बार बार दुखता रहता है आपका, एंड इसके साथ साथ अगर आपको जो है फीवर के जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं, तो उसके लिए मेडिसिन बहुत उपयोगी काम करेगी। इनफैक्ट अगर आपको ऐसे मौसम में ठंड लग के बुखार आ रहा है तो उस वायरल फीवर के लिए अच्छा काम करेगी, ठंडी शिवरिंग आप कांप रहे हो तो उसके लिए अच्छी काम करेगी, साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है स्पेशली बच्चों में बढ़ाएगी, जिससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, तो फीवर जल्दी से जल्दी ठीक होता है। तो ये आपको घर पे रखना चाहिए तुरंत, जैसे किसी को हल्का बुखार लग रहा है तो उन्हें आप जरूर दे दीजिए। कैसे देंगे? 6 ड्रॉप डायरेक्टली जो है टंग पे डाल के दिन में 3 बार दे सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम दे सकते हैं डायरेक्ट टंग पे, और बच्चे हैं तो आप उनको 3 ड्रॉप्स 3 टाइम डे आप उन्हें दे सकते हैं। सेकंड मेडिसिन जो आपको एज अ फर्स्ट एड की तरह आपको घर पे रखना चाहिए वो मेडिसिन है आर्निका। आर्निका 30 मेडिसिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है, स्पेशली जैसे बच्चे हैं और बच्चे जैसे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उसमें अगर वो गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है, तो एज अ ब्लड जो है उसे बाहर निकलने से रोकती है, सेप्टिक कंडीशन को ठीक करती है, चोट अगर लग गई है तो उसके लिए जो दर्द हो रहा है उसे ठीक करने में आर्निका का बहुत अच्छा काम होता है, तो इंजरी के केसेस में अच्छी काम करेगी। साथ ही साथ फैमिली में जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, ओल्ड पर्सन से उनमें अगर उन्हें घुटने का दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन के लिए दर्द नाशक हम इसे कहते हैं आर्निका को इन होम्योपैथी के अंदर, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए आर्निका को भी आपको रखना चाहिए अपने घर में, एज अ ब्लड सप्लाई बढ़ाती है, हमारे खून का संचार बढ़ाती है हमारे शरीर में, तो इसलिए हमें मेडिसिन रखना चाहिए। इसको भी लेते हैं तो वही सेम डोज है, 6 ड्रॉप 3 टाइम डे डायरेक्ट ऑन टंग पे आप डाल के ले सकते हैं, और अगर थोड़ा सा तीखा लगता है, हल्का सा टेस्ट आता है, तो उस कंडीशन में आप 1 चम्मच पानी लिए उसके अंदर 6 ड्रॉप डाल के भी आप उसको ले सकते हैं दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नंबर 3 मेडिसिन जो आपको घर पे रखना चाहिए, वो है इपेकॉक 30। इपेकॉक जो मेडिसिन है ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्क्रीन पे मैंने इमेज लगाई है, स्पेशली जैसे आपने बाहर खाना
खाना खा लिया हो, जंक फूड खा लिया हो, बाहर का खाने में आ गया हो, और स्पेशली बच्चों में तो उनकी वजह से उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उन्हें उल्टी होने लग जाती है, अचानक से फैमिली में किसी को भी उल्टी होने लग गई है, वॉमिटिंग या फिर वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, तो उसके में पिकॉक का बहुत अच्छा रोल होता है। तो इसलिए अब तुरंत आपके घर में अगर होगी तो आप तुरंत उन्हें दे पाएंगे, जिससे उनकी उल्टी जो है रुक जाएगी। साथ ही साथ उन्हें अगर कफिंग वाली प्रॉब्लम रह रही है, अचानक से कफ कोल्ड हो गया है, खांसी खड़खड़ चलने लग गई ऐसे बदलते मौसम में, तो उसके लिए भी इपिकॉक का बहुत अच्छा काम है। इसलिए इपिकॉक को आपको जरूर जरूर घर में रखना चाहिए। और अगर जैसे वॉमिटिंग केसेस में आप इन्हें दे रहे हैं, तो हर 6 बूंद जो है हर आधे आधे घंटे के अंतराल 4 बार दे, तो उनकी वॉमिटिंग रुक जाएगी। इन एडल्ट्स की बात कर रही हूं, डायरेक्ट ऑन टंग पे, और बच्चे ले रहे हैं तो 4 बूंद 3 बार वो ले सकते हैं डायरेक्टली ऑन टंग पे डाल के, या फिर आधे कप पानी के अंदर डाल के भी उन्हें दे सकते हो। नंबर 4 मेडिसिन जो आपका फर्स्ट एड की तरह आपको होम्योपैथिक मेडिसिन आपको रखना चाहिए घर में, वो है मेडिसिन हमारी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। 30 की पावर में आप इसे अपने घर पे रखिए। एक तरह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी काम करती है, यानी कि सांस से संबंधित परेशानी, जैसे कि इस बदलते मौसम में जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो उनकी सांसें चलने लग जाती है, अचानक सांस नहीं आती है, एकदम खड़खड़ खांसी चल रही है, उन्हें बहुत ज्यादा कफ आ रहा है, बलगम अंदर जमा हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, सूखी सी खांसी चल रही है, ड्राई कफ है, उन सारी कंडीशन पे इसका बहुत अच्छा काम रहता है। सो बच्चे हो या बुजुर्ग हो, अगर उन्हें खांसी बहुत ज्यादा एकदम से चलने लग गई, तो उस कंडीशन में ब्रायोनी आप उन्हें दे सकते हैं। इससे तुरंत रिलीफ मिलेगा उनको खांसी के अंदर, साथ ही साथ उन्हें अस्थमा है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और अगर हम बात करें बुजुर्ग पर्सन में भी इसका बहुत अच्छा काम है, जैसे कि जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, स्पेशली आपके हर एक जोड़ों में आपको बहुत ज्यादा दर्द है, सूजन सूज गए हैं जोड़ आपके, साथ ही साथ एकदम से चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, स्पेशली जब आप रेस्ट कर रहे हैं, मोशन में है तो आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि चल रहे फिर रहे तो दिक्कत आ रही है, लेकिन आप जब आराम कर रहे हैं, लाइंग डाउन कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो उस समय आपको रिलीफ मिल रहा है, उन सारी कंडीशन में इसका मेडिसिन का बहुत अच्छा काम होता है, तो दर्द को भी ये खत्म कर रहे हैं, इसलिए ये मेडिसिन भी आपको जरूर जरूर घर में रखना चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन नंबर 5 मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो आपको एज अ फर्स्ट की तरह रखना चाहिए, वो है रोबिनिया 30। रोबिनिया भी एक ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन होती है जो आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल्स को ठीक करती है, यानी कि पेट संबंधी जो भी परेशानियां हो उसे ठीक करती है। जैसे कि अगर आपको अचानक से आपने बाहर खा लिया, जंक फूड खा लिया, या फिर फैटी फूड्स खा लिए हैं, ऐसे मसालेदार खाना खा लिया, उसको जैसे एकदम आपको पेट में गैस बनने लगी है, एसिडिटी बनने लग गई है, पेट एकदम फूला फूला सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत फूल गया है, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं हो रही है, डकार आ रही है, खट्टी डकार आ रही है, बेल्चिंग हो रही है, जलन जलन सा पेट में लग रहा है, उन सभी कंडीशन के लिए रोबिनिया बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप इसे 6 बूंद हर आधा घंटे में ले लेते हैं इन एमरजेंसी कंडीशन, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो एसिडिटी पेट में जो एसिडिटी बन रही है उसे ठीक करेगी, जलन हार्ट बर्न जो आपको लग रहा है, बर्न सेशन हो रही है उसे खत्म करेगी, एसिडिटी को ठीक करेगी। तो आपको जरूर से जरूर इस मेडिसिन को भी रखना चाहिए। एंड साथ ही साथ फ्लेटुएंस यानी कि गैस पास भी हो रही है, और इसे अगर आप क्रोनिक समस्या भी रही है पेट संबंधित, आप हमेशा आपको गैस बनती रहती है, कुछ भी खा लेंगे आप स्पेशली, तो उस कंडीशन में आप इसे रोज इनटेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिलीफ मिलेगा। तो यकीन मानिए आप ये 5 होम्योपैथिक मेडिसिन चमत्कार मेडिसिन आप जरूर अपने घर पे रखिए, और आप इन्हें यूज करें जैसे ही आपको मैंने सिम्टम बताया उस अकॉर्डिंगली, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अदर कोई सी भी आपकी क्वायरीज है, कुछ भी पूछना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए जो नंबर है वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, एंड कमेंट्स भी जरूर जरूर कीजिएगा आप, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड